सर्दी वैसे ही ज्यादा है, लेकिन अब हम आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में, जहां शदीद सर्दी के बायस दरियाए शियोक समेत आबशारें और पानी सप्लाई करने वाले नलके भी जम चुके हैं। गांचे में खून जमा देने वाली सर्दी से मुतालिक मजीद जानते हैं मोहम्मद अली आलम की इस रिपोर्ट में। मुल्क के सर्द तरीन इलाका गांचे में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। खून जमा देने वाली सर्दी के बायस दरियाए शियोक समेत जिला भर में पानी सप्लाई करने वाली लाइनें और अफशारे मुकम्मल तौर पर जम गई हैं। शदीद सर्दी के बायस लोगों की मामलाते जिंदगी भी मुतासिर हो गई है। जी, सर्दी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस देख रहा हूँ। दरिया कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी है। हमारे बड़े पहले कहा करते थे सर्दी की शिद्दत से दरिया जम जाते थे और ऊपर से हम क्रॉस करते थे। मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा सर्दी मैंने पहली मरतबा देखे हैं। मुकमे मौसमियात के मुकामी ऑफिस के मुताबिक खपलू शहर और गिर्द नवाब में -22 जबकि बालाई इलाकों में -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुकी है। शदीद सर्दी के बायस सुबह और शाम के अवकात में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, जबकि बालाई इलाकों में लोग मुकम्मल तौर पर घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। शदीद सर्दी में बालाई इलाकों में मुश्किलात के पेश नजर जिले इंतजामिया में खुराक और अद्वियात की स्टॉक पहले ही पहुंचा दी गई है। मुकमे मौसमियात के मुताबिक गांचे में खुश्क सर्दी का यह सिलसिला आइंदा 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज, गांचे।